आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ड्रामा सीरियल बेबे बाजी में आसमा का किरदार निभाने वाली सुनीता मार्शल की असल ज़िंदगी के बारे में। सुनीता मार्शल का शोहर भी मुसलमान है और इनके बच्चे भी मुसलमान है। अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मलिक एस के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। ड्रामा सीरियल बेबे बाजी में आने वाली सुनीता मार्शल, इनका कहना है कि मेरा मुस्लिम होने का कोई भी इरादा नहीं है और फैमिली की तरफ से भी कोई दबाव नहीं है, मेरे बच्चे मुसलमान हैं। शादी के मौके पर ये फैसला ही किया था कि हमारे बच्चे मुसलमान होंगे, मेरे दोनों बच्चे ही मुसलमान हैं। आपको याद रहे कि सुनीता मार्शल की शादी अदाकार हसन अहमद के साथ हुई थी 2008 में। इनकी बेइंतहा मोहब्बत थी और इनके घर वाले राज़ी नहीं थे। हसन अहमद के घर वाले राज़ी नहीं थे कि इनकी शादी एक गैर मुस्लिम लड़की से हो, लेकिन सुनीता मार्शल के घर वाले भी राज़ी नहीं थे कि इनकी शादी एक मुसलमान लड़के से हो, लेकिन इनकी मोहब्बत जीत गई थी और इनकी 2008 में शादी भी हो गई थी। अब इनके दो बच्चे हैं, इनका एक बेटा और एक बेटी है। आजकल ड्रामा सीरियल बेबे बाजी में दोनों एक साथ ही अदाकारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हसन अहमद नसीर का किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं और सुनीता मार्शल आसमा का किरदार निभाते हुए नज़र आ रही है। आप इनमें ज़्यादा किसको पसंद करते हैं, हसन अहमद या सुनीता मार्शल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये थी हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।